हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वे बस आज की टैरो का रीडिंग में देखने की कोशिश कर रहे हैं आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए, और क्या ये पर्सन आपसे आज कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या इस पर्सन की कॉल मैसेजेस आज रात आपको रिसीव हो सकते हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके एक्शंस देखने की कोशिश करेंगे। ओके, बस रीडिंग कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर इस पर्सन की तरफ से आने वाले कम्युनिकेशन की बात करें तो ये पर्सन तो काफ़ी बेकरार नज़र आ रही है, और साथ ही ये एनर्जी आपकी भी है और आप भी इस वक्त अपने पार्टनर के लिए एक्शन लेने के लिए काफ़ी बेताब नज़र आ रहे हैं, पर कॉन्टैक्ट कोई नहीं कर पा रहा, कॉल मैसेज किसी को भी किसी के रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सोच ज़्यादा रहे हैं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं, और जब नेगेटिव विचार मन में आ रहे हैं तो इस पर्सन के बढ़ते कदमों को वो सोच विचार ही रोक रहे हैं। यानी इस पर्सन के अगर कॉल मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये पर्सन ये सोचकर आपको कॉल नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर्सन के मन में कुछ नेगेटिव विचार हैं कि अगर इस पर्सन ने आपसे कॉन्टैक्ट किया तो आप अक्सर ही ऐसा करने लगेंगे, आपकी आदत सी बन जाएगी, इस पर्सन की ही तरफ से आने वाले कम्युनिकेशन का आप वेट करेंगे और आप शायद इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो इस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में आ रहे हैं, पर हाँ, आप एक अच्छी फैमिली बन सकते हैं चीज़ में नज़र आ रही है। आपके पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन के लिए इसकी फैमिली जैसे ही हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हों, या फिर बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी बात को लेकर नाराज़गी है जिसकी वजह से आपके पर्सन के मन में नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर ये पर्सन अपने करियर को लेकर भी कुछ चिंतित नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, या फिर इस पर्सन की स्टडी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, ये पर्सन अपना मन कहीं भी नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स जो इस पर्सन के दिमाग में आते हैं ना, उन थॉट्स की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, और वो नेगेटिविटी इस वक्त भी इस पर्सन के दिमाग में नज़र आ रही है। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।